इंदौर मध्य प्रदेश में 11 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान पितरेश्वर हनुमान धाम में पौधारोपण किया। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बन गया है। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक वृक्ष लगाकर धरती माँ को प्रणाम करने का काम कर रहा है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी माँ को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। आज जो आप एक विश्व विक्रम बनाने जा रहे हैं वो विश्व विक्रम पुण्य श्लोक अहल्याबाई की नगरी को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। ये कार्यक्रम केवल शासन का कार्यक्रम नहीं है, शासन सुविधा कर सकता है, शासन कार्यक्रम को सफल नहीं कर सकता है, आंदोलन को सफल नहीं कर सकता। इन्होंने पूरे इंदौर की जनता को इसके साथ जोड़ा। हमारे युवा मेयर ने हर जाति को हर समाज को जोड़कर उनके महापुरुषों के नाम से अलग अलग वन बनाने की शुरुआत की। बरगद, नीम, पीपल ऐसे लंबा जीने वाले वृक्ष बोए, अमरूद, मधुकामिनी, करोंदा, बेलपत्र, सीताफल और आमला जैसे औषधीय गुणों वाले वृक्षों को भी लगाने का काम किया। और इसके साथ साथ ये परिसर के अंदर जहां 9 वन बनेंगे वहां 3 तालाब बनाकर उसको सिंचाई की व्यवस्था का भी काम किया है। आज मित्रों, मैं इस मंच से भारत के सभी CAPF के जवानों को भी मन पूर्वक सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक शुरुआत की थी, मई 24 तक 5 करोड़ वृक्ष CAPF लगाएगा, कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा 5 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्यक्रम एक साल पहले CAPF ने समाप्त कर दिया है। आज BSF के काफी जवान यहां पर है, 5 करोड़ 21 लाख पौधे CAPF ने लगाए हैं और इस साल 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, तो 24 तक 6 करोड़ पौधे का हमारा काम पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने कहा है पीछे मुड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे देखिए। पर्यावरण की चिंता पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए आज महत्वपूर्ण बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम करा है, बहुत बड़े बड़े छिद्र ओजोन के स्तर के अंदर बने हैं जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है, जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जाता है। और आज ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया है ये एक प्रकार से इसका सटीक जवाब। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूअल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि UN ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। आज मैं यहाँ आया हूँ तब मैं मध्य प्रदेश के पूरे नागरिक भाइयों बहनों को विनंती करने आया हूँ। वृक्ष बोना बड़ा सरल, वो एक कार्यक्रम होता है,
मगर वृक्ष को अपने से बड़ा ऊंचा करना ये बहुत कठिन होता है। जिन जिन लोगों ने वृक्ष बोए हैं, इस सबको मेरा निवेदन है कि वृक्ष को बड़ा करते तक अपने बेटे की तरह इसकी चिंता करना, बाद में यही वृक्ष एक माँ की तरह आपकी चिंता करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, फिर से एक बार सभी आयोजकों को, इंदौर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ के विधायक और मंत्री सभी को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इंदौर शहर के अंदर 51 लाख वृक्ष लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और एक दिन में 11 लाख वृक्ष लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र सर्वप्रथम।